कठिन आकृतियों के घेरे भाग दो बाउंड्री ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप्स पार्ट टू। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आकृतियों के बदलने से क्या उनके घेरे के नाप में भी अंतर आ जाता है। देखो, मैंने ये वर्ग पेपर पर बनाया है। इसका घेरा 12 सेंटीमीटर लंबा है। हाँ, ये तो पता लगाना आसान है। हाँ, लेकिन मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि अगर इसके आकार को बदल दें तो इस घेरे का नाप बदलेगा या नहीं। आकार बदलने पर घेरे की लंबाई तो बदलेगी ही। ठीक है, आकार बदल कर देखें। हाँ, देखो, मैं इस एक वर्ग को हटाकर इसका आकार बदल देता हूँ। अब इसका घेरा नाप लेते हैं। इसके सभी किनारों की लंबाई को लिख लेते हैं। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इन सभी को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 12 सेंटीमीटर। देखो, हमने आकृति का आकार बदल दिया, फिर भी घेरे का नाप नहीं बदला। मुझे लगता है कि हमें आकार को अलग तरह से बदलना चाहिए, फिर घेरे का नाप भी बदल जाएगा। इस बार तुम आकार को बदल कर देखो। ठीक है, देखो, मैं इस आकृति में से इस वर्ग को हटाकर इसका आकार बदल देता हूँ। मुझे तो लगता है कि अभी भी इस आकृति के घेरे का माप 12 सेंटीमीटर ही आएगा। चलो नाप कर देखते हैं। ठीक है, इसके सभी किनारों की लंबाई को लिख लेते हैं। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब इनको जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब आकृति का आकार बदलने से घेरे का नाप बदल जाता है। नहीं, देखो, जब तुमने आकृति को बदला तब घेरे की लंबाई नहीं बदली, लेकिन जब मैंने आकृति का आकार बदला तब घेरे की लंबाई बदल गई। इसका मतलब ये हुआ कि आकृति का आकार बदलने पर घेरे की लंबाई बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती है। आज आपने सीखा कि आकृति के आकार बदलने पर घेरे की लंबाई बदल भी सकती है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आकृति का आकार बदलने पर घेरे की लंबाई बदल ही जाए। इसीलिए आकृति का आकार बदलने पर उसके घेरे की लंबाई को नापना जरूरी है।